प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के लीड करण मेहरा यानी कि नैतिक फिल्म सिंघानिया नैतिक सिंघानिया फिल्म करण मेहरा इस वक्त जिस तरह से अपनी पत्नी निशा रावल को लेकर FIR को लेकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन को लेकर हिरासत में रहने के बाद बेल होने के बाद तमाम तरह के बयानों को लेकर सुर्खियों में एक बार फिर हम आपको हमारे इस खास रिपोर्ट में देना चाहेंगे जानकारी। करण मेहरा ने खुलासे किए कि उनकी पत्नी उन पर झूठे आरोप लग रही हैं। उनकी पत्नी को उन्होंने कभी भी नहीं मारा और वो खुद अपना दीवार पर सिर फोड़ कर उन पर इल्ज़ाम लगा बैठी कि करण ने उन्हें मारा। अब इन सब के बाद करण मेहरा ने कुछ और भी बड़े खुलासे किए हैं पत्नी को लेकर। सुनकर यकीनन आपको भी हैरानी होगी क्योंकि इस तरह की खबरें पहले कभी भी करण और निशा रावल को लेकर नहीं आए। शादी के इन 9 सालों में ऐसे रिश्ता टूटकर बिखरेगा ऐसा किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि इस वक्त वाकई में करण मेहरा और साथ में निशा रावल को लेकर जो ये खबर है सुनकर आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा। करण मेहरा और निशा रावल को लेकर खुद करण ने स्टेटमेंट दिया और स्टेटमेंट देते हुए उन्होंने जानकारी देते हुए कई बातें बताई है जिसे सुनकर आप सभी को ज़रूर झटका लगने वाला है। करण मेहरा ने कहा कि स्पीक किया करती थी उनकी पत्नी उनके ऊपर। जी हाँ, करण मेहरा ने ये कहा है। एलिमनी हैसियत से ज़्यादा मांगे हैं उन्होंने। डाइवोर्स के लिए इन्होंने अप्लाई किया था 1 महीने में और बहुत ज़्यादा पैसे वो मांग रही हैं। पुलिस थाने तक वो पहुँची झगड़े को लेकर और कहा जा रहा है कि इन दोनों का झगड़े को सुलझाने की कोशिश काफ़ी की गई। रोहित सेठिया भी आए हुए थे और फिर एलिमनी अमाउंट उन्होंने मांगा और फिर इतना ज़्यादा वो मांगा कि नहीं दे सकते थे वो, जिसे लेकर काफ़ी बहस हुई। और इसके बाद आपको बताना चाहेंगे कि वो कमरे में गए, निशा पीछे से आई, वो माँ से बात कर रहे थे तभी निशा ने गालियाँ देना शुरू कर दी। ज़ोर ज़ोर से वो चिल्लाई और उनके मुँह पर थूका भी और फिर कमरे से बाहर जाने को जब नैतिक फेम करण मेहरा ने निशा को कहा तो निशा नहीं सुनी और उन्हें उनकी दे बैठी और कहा कि देखो अब मैं क्या करती हूँ, ये बोलकर बाहर चली गई। उसके बाद करण के साथ ऐसा किया है ये करण ने सोचा भी नहीं था कि झूठा उन पर इल्ज़ाम लगाएंगी वो, और इस तरह से मामला बढ़ता ही चला गया। निशा पर उन्होंने कभी हाथ नहीं उठाया। घर के कैमरे में चेक कर सकते हैं, सब कैमरे पहले से ही बंद कर रहे थे सभी लोगों ने। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से प्रत्येक रिपोर्ट।